इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 7 साल से ज़ेर इल्तवा मंसूबा मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने बैडमिंटन अंडर हॉल, स्नोकर रूम, टेबल टेनिस हॉल और स्विमिंग पूल का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फैमिलीज के लिए 20 इंडोर स्पोर्ट्स फराहम की गई हैं। बदकिस्मती से 7 साल से ये मंसूबा भी इल्तवा का शिकार रहा। ओगरा का सार्फिन को नए साल का तोहफा, एलपीजी की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा। एलपीजी की फी किलो कीमत 256.42 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 18.52 रुपये महंगा, नई कीमत 3025 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल के आगाज पर भी स्मोक का जोर बरकरार। मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज कर गया। गुलबर्ग में AQI 450, माल रोड 430 और जोहटाउन में 410 रिकॉर्ड। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। साल 2023 में रोटी का हसूल मुश्किल तरीन रहा। गुज़िश्ता साल सरकारी गंदम की कीमत में 113% इजाफा हुआ। फी किलो आटा 75 रुपये महंगा। आटे की कीमत 64 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 650 से बढ़कर 1400 रुपये तक पहुंच गया। रोटी 20 रुपये और नान 25 रुपये में फरोख्त होता रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को बिजनेस सहूलत सेंटर के मुख्तलिफ अमूर और अब तक की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, कारोबार सहूलत मरकज पर एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मारे जाने वालों के लिए कोई नहीं बोलता। 9 मई के लोगों से झगड़ा ही गैर जिम्मेदाराना एहतजाज का है। IMF के कर्ज से तब जान छूटेगी जब ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। पंजाब असेंबली के लिए 7,992 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब से कौमी असेंबली के 521, पंजाब असेंबली के लिए 943 उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए। पंजाब असेंबली के लिए 8,935 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। हाईकोर्ट के 9 जजिस पर मुश्तमिल इलेक्शन अपेलेट ट्रिब्यूनल से अपीलों की समाप्त कर रहे हैं। 3 जनवरी तक आरोज के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हो सकती हैं। ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बंद रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला की 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन, मंसूबे को वक्त से कबल पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम करने की हिदायत। मटी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता लेने की शिकायत का नोटिस। भत्ता माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शहरी साल 2024 में महंगाई और बेरोजगारी में कमी के लिए पुरउम्मीद। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ नए साल का पहला सूरज तलू हुआ। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। शहरियों का कहना है नया साल दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए अमन, खैर और बरकत का साल साबित हो। 2024 का इंतखाबी साल खुशहाली और खुशियों का वसीला बने और मुल्क में मौशी इस्तेहकाम कायम हो। नए साल की आमद पर हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीस के साथ बनवाने की तारीख में तौसी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नए साल की खुशी में पुरानी फीस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर रहे हैं। 10 तारीख से नई फीसों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। कलेक्टर कॉलोनी वहदत रोड के मकीनों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर नारेबाजी। ख्वातीन ने लकड़ी की आग जलाकर अंडे फराई किए। हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया।